अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराकर अपने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत रविवार 15 अक्टूबर को हासिल कर ली। इस फॉर्मेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट विश्व कप में उसने पहली बार किसी भी टेस्ट खेलने वाली टीम को हराया। विश्व कप में उसकी ये दूसरी जीत है, ये लगातार 14 मैचों में हारने के बाद मिली। इससे पहले 2015 में उसे इकलौती जीत स्कॉटलैंड के खिलाफ मिली थी। स्कॉटलैंड के पास टेस्ट खेलने का नाम दर्ज नहीं था। इंग्लैंड की बात करें तो उसे भारतीय जमीन पर 12 साल में दूसरी बार उलटफेर का शिकार करना पड़ा। 2011 में विश्व कप के दौरान बंगलुरु में उसे आयरलैंड के खिलाफ आए उलटफेर किया था। इंग्लैंड ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पाकिस्तान की टीम ने 49.5 ओवर में 284 रन पर ही सिमट के इंग्लैंड की जीत के लिए उसे 85 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन उसकी ये पूरी टीम 40.3 ओवर में 215 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान के लिए उसके स्पिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अनुभवी राशिद खान और मुजीबुर रहमान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। वहीं ऑफ स्पिन मोहम्मद नबी ने 2 विकेट अपने नाम कर लिए। कुल मिलाकर तीनों ने 25.3 ओवर में गेंदबाजी की और 104 रन देकर 8 विकेट झटके। वहीं दूसरे इंग्लैंड के स्पिन ने 24 ओवर गेंदबाजी की और उन्होंने 94 रन दिए और सिर्फ 5 विकेट ही ले पाए। इस मैच में दोनों टीमों के स्पिनरों ने मिलाकर 13 विकेट चटकाए। ये स्पिनरों द्वारा विश्व कप के एक मैच में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 2003 में कैनिया श्रीलंका के बीच मैच और 2011 में कनाडा जिम्बाब्वे के बीच मैच में स्पिनरों ने 14-14 विकेट हासिल करे थे। इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रुक ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए थे। उन्होंने छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बारी नहीं खेल पाए। डेविड मिलर ने 32 और आदिल रशीद ने 20, मार्क वुड ने 18, लीस टॉपली ने 15 रन और जो रूट ने 11 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टन और सैम क्रोन ने 10 रन बनाए। कप्तान जोस बटलर और क्रिस वोक्स 9 रन बनाए। ओपनर जॉनी बरेस्टो 2 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 80 रन रहमान मुल्ला गुरबाज ने बनाए। एकरम ने 58 रन का योगदान दिया था। वहीं मुजीबुर इब्राहिम ने 28 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने 3 और मार्क वुड ने 3 विकेट चटकाए। रीस टॉपली, लियाम लिविंगस्टन ने जो रूट को 1-1 विकेट सफलता मिली है। जोस बटलर ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस मैदान में 2013 से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस मुकाबले से पहले 7 मैचों में 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। इसके बावजूद बटलर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 2013 से सिर्फ 2 टीमें ही लक्ष्य का पीछा करते हुए जीती हैं। भारत ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को इस बार विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा किया था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने स्पिन के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। विश्व कप में पहली बार उसके 8 बल्लेबाज एक मैच में स्पिनरों के खिलाफ आउट हुए हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान के स्पिनरों ने पहली बार एक मैच में 8 विकेट लिए हैं। इससे पहले 2019 में श्रीलंका के खिलाफ आउट ऑफ में 6 विकेट लिए थे। मोहम्मद नबी ने मैच में 2 विकेट लेकर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह विश्व कप में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं और उनके 15 विकेट हो गए। उन्होंने दौलत जादरान को पीछे छोड़ दिया है। दौलत के नाम 14 विकेट है। राशिद खान ने 11 और मुजीब उर रहमान ने 10 विकेट लिए हैं। राशिद खान ने भी इस मैच में 3 विकेट लेकर इंग्लैंड के 4 साल पुराना हिसाब पूरा किया था। पिछली बार विश्व कप में जब दोनों टीमों ने मैनचेस्टर में अपने सामने हुई थी, तब राशिद खान के खिलाफ इंग्लिश बल्लेबाजों ने 9 ओवर में 110 रन बनाए थे। इस बार राशिद ने बदला ले लिया। उन्होंने 9.3 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट चटकाए। राशिद ने लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद और मार्क वुड को आउट किया।